आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को निकाल लेंगे और ये 12 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी, तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं यहां से आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का, ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा अंग्रेजी का, ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का, ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपसे टोटली 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टोटली ये भी आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों 75 नंबर का होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार का टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जरूर जाएँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, ये एलन केलर वाला एक पैसेज है जो कि आपसे पेपर में 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है वी लर्न टू स्पीक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वी लर्न टू स्पीक, इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा, बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, इस जगह पर आपको लिखना है बाई इमिटेटिंग, इमी यहाँ से आप लोग लिख लें इमिटेटिंग, बाई इमिटेटिंग इसके बाद में व्हाट वी हियर, व्हाट वी हियर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें और उसके बाद में अगले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलन टू। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, टू हेल्प ये लिखा है, हेलन टू टॉक हर स्पीक, ये इसका उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। उसके बाद में ये देखते हैं तीसरे नंबर का, व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीप। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग लिख लें, सी स्पेंड रेस्ट। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीप। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, ये इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें, सी स्पेंड देन द रेस्ट हर लाइफ वर्किंग द ब्लाइंड एंड द डीप, ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को उत्तर को देखते हैं, व्हेन डिड हेलन केलर लोज हर आई साइड एंड हियरिंग। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आएगा, एट द एज ऑफ टू। उसके बाद में पांचवा देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु ने कौन एबल टू सी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँच नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका पाँचवे का उत्तर आपका आएगा ब्लाइंड। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग यहां से इसको देख लें और प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज का उत्तर मैं आपको आंसर शीट पे बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग यहां से पूरा पेपर देख लें, इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन मैं आपको आंसर शीट पर देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इसको पूरा देख कर जरूर जाएँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ से आपसे सेक्शन सी पूछा गया है जिसमें कि आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। तो ग्रामर का सॉल्यूशन कैसे देखें प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन, माय मेड हैज द फ्लोर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, वाल्ड द फ्लोर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी स्पीक द ट्रूथ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप जगह आपको लिख लेना है, शुड। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, फ्रॉग आर जंपिंग द रिवर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इन टू द रिवर।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रीता इज टेलेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना द। उसके बाद में पांचवा देखते हैं, माई ग्रैंड फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग। तो देखिएगा पाँच नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थी आपको लिख लेना सिंस। उसके बाद में छठा देखते हैं, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर छठे में आपको लिख लेना है इज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां, तो सातवें का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको लिखना प्ले। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें, और बाकी का जो आपका प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं आपको आंसर शीट पर अभी दिखाने वाला हूँ। मगर प्यारे विद्यार्थियों पहले आप लोग पूरा पेपर देख लें और इसके बाद में फिर हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये डू एज डायरेक्टेड करना नहीं आते हैं या आपको ग्रामर करना नहीं आती है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर की एक लिस्ट दे रखी है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों जो भी वीडियो दिए गए हैं अगर आपने उनको अच्छे से देख लिया तो आप प्यारे विद्यार्थियों इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ना सीख पाओगे। जैसा कि सो डेट का प्रयोग यहां पर आपसे पूछा गया, ये देख सकते हो, ये भी मैंने आपको उस वीडियोज में बहुत अच्छे से बताया। तो आप सभी लोग इन चीजों को अच्छे से करना जरूर सीख लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहां से शुरुआत होती है आपकी सेक्शन डी की। सेक्शन डी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो देखिएगा इसका पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा, आप लोग यहां से इसको देख लें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये भी आपका ए नंबर का आ जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, तो तीसरे का उत्तर आपका सी होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर देखें तो इसका भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ए होगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें पूरा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें ये क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको उसी पे ऊपर आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, इसके भी उत्तरों को हम आंसर शीट के ऊपर देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला भाग दिया गया है, इसके भी उत्तर हम आंसर शीट के ऊपर देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से आपको इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहां से इनको देख लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, 12 के बाद में प्यारे विद्यार्थी 13 लिखा गया है, ये 14 लिखा है, और ये 15 लिखा गया है, और उसके बाद में 16 लिखा है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पहले पूरा देख लें, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन अब आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। तो देखिएगा जितना हो सकता था उतना तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पेपर पर ही हल करके बता दिया, मगर प्यारे विद्यार्थियों बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं इनके आंसर शीट को हम अब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैं आंसर शीट के ऊपर इनका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रही आपके सेट ए की पूरी आंसर शीट, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा समझ लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सभी के सभी यहाँ पर लिखे गए हैं, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, जिसमें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सभी के सभी उत्तर ये लिखे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन द क्लाइमेट एंड फॉर ईस्ट। तो देखिएगा ये इसका उत्तर आ जाएगा, और उसके बाद में आगे यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इनके उत्तरों को लिख लें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी गई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये जो नोट मेकिंग समरी आपको यहाँ पर दी गई है आपको ऐसे नहीं बनानी है, किस प्रकार से आपको नोट मेकिंग समरी बनानी है इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से नोट मेकिंग समरी को बनाना जरूर सीख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को देख लें, ये एप्लीकेशन प्यार विद्यार्थी इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछी जाएगी। ब्राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेस्ट बुक। तो देखिएगा आपको फ्री में टेस्ट बुक लेने के लिए आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें और सीख लें। और उसके बाद में प्यार विद्यार्थियों अथवा में आपसे ये वाला लेटर पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ से इस लेटर को भी देख लें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू इन हिज ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। देखिएगा आपका फ्रेंड जो है उसको परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, तो इसके लिए उसको लेटर आपको लिखना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग प्यार विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में प्यार विद्यार्थियों ऐसे पूछा गया है निबंध, तो देखिएगा ये आपका किसका निबंध दिया गया है, माई हॉबी का पूरा निबंध आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, पूरा का पूरा माई हॉबी का निबंध लिखा है। और उसके बाद में प्यार विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, जिसमें कि लिखा गया है राइट ए पैराग्राफ ऑफ द अबाउट द 80 वर्ड ऑन द बेसिक ऑफ द विजुअल गिवन। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको लिख ले पूरा। और उसके बाद में प्यार विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखा गया है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 7 को लिख ले पूरा और समझ लें।
और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दिया गया है, जिसमें कि आपसे क्या डू एज डायरेक्टेड पूछे गए थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये डू एज डायरेक्ट ये फिलिंदा ब्लैंक्स है और डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर आपसे पूछे गए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको डू एज डायरेक्टेड बनाना नहीं आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो लिंक दे रखी है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सभी इनको बनाना सीख लेंगे। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, किसके हैं क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर हैं ये। और उसके अलावा डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर छूट गए हैं, तो उनका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख लें उसको पूरा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर लिखे गए हैं सभी के सभी, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को नोट कर लें अच्छे से। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन नंबर 10 के बी वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, तो आप लोग यहाँ से इसको भी देख लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 11 का पहला वाला उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा 11 का दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को नोट कर लेंगे। और ये 12 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लें। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ये लिखा गया है, और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर ये लिखा गया है, व्हाट आर टू द स्ट्रेंथ। तो ध्यान से आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लें। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट जरूर कर लें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।